अलैकुम। चैप्टर नंबर 1 से एग्जांपल नंबर 11 है। ये एग्जांपल अच्छे तरीके समझ लीजिएगा। अगर ये एग्जांपल आप समझ लेते हैं ना, इसके आगे वाले जितने भी एग्जांपल है ना, ये सारी के सारी आपको सोल्व करने का तरीका का एक थोड़ा सा मेथड आ जाएगा। अच्छा, मैंने ना पीछे वाले जितने भी एग्जाम्पल किए, एक बात आपको कही, अगर कोई भी आपको न्यूमेरिकल आता है ना, आपको कुछ भी नहीं आता ना न्यूमेरिकल के अंदर, कम से कम आप वहाँ पर मोल निकाल के आ जाओ। देखो, ये वाली चीज़ें आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया गया होगा, इसमें गिवन डेटा निकालना आपको आना चाहिए। टू फाइंड मोल तक का रहोगे आधे नंबर दे देगा एग्जामिनर। इसको पता है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन सी मालूम करनी है, मोल तक आधे तक कर दिया है, आगे वाला हिसाब वो तकरीबन कह लेगा कोई यहाँ टाइम मिसिंग था, टाइम शॉर्ट था, किसी वजह से ये नहीं कर पाया। कम से कम मोल तक कराइएगा। मोल निकालने बड़े आसान है, मैं सबसे उसके ऊपर रखो मोल, मैं इसको नीचे रखो मोल निकालो। सही है, तो हमने सबसे पहली बात ये देखनी है कि यहाँ पे चीज़ें कौन कौन सी दी गई हैं। इसको अच्छे तरीके समझ लीजिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल की बेस है, आगे जितने भी न्यूमेरिकल यूज होने हैं। चलो, यहाँ पे हम सबसे पहले बात देंगे गिवन डाटा के, एग्जामिनर हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ज़रा गौर करो, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं ना, कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4। ये तो हमने कैलकुलेट करने हुए, और वाटर के भी ग्राम मालूम करने हैं। इसके साथ मालूम करने हमने जो चीज़ प्रोवाइड की गई है वो 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ, ये दो चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई, 14 ग्राम ऑफ KOH और एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक्सेस का मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा मिकदार में लिया गया हो, यानी ये इसके ऊपर आपका रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मैस ऑफ KOH कितना है 14 ग्राम। इसके बाद हमारे पास एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज प्रेजेंट इन एक्सेस, H2SO4 इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ये एक्सेस में मौजूद है। सही है, बस चंद एक चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं। इसके बाद जो टू फाइंड में हमारे पास चीज़ें आएंगी ना, जो चीज़ें हमने मालूम करनी है, टू फाइंड में हमारे पास सिंपल सी चीज़ आनी है। पहले नंबर में ग्राम मालूम करना, नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब याद रखिए मोल कह रहा है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब है मोल्स कितने बनेंगे। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास मोल्स की तादाद पूछ रहा है K2SO4 की, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4 ये चीज़ हमने मालूम करनी है। इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम ऑफ वाटर मालूम करना है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ वाटर ये चीज़ हमने मालूम करनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दूसरी चीज़ कौन सी मालूम करनी है, पानी के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे ये भी हमने मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो ये वाली चीज़ कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये चीज़ें हमने तीन मालूम करनी है। अगर ये तीन चीज़ें मालूम कर लेते हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सोल्यूशन की हेडिंग आएगी। अगर फार्मूले की हेडिंग देना चाहे तो मोल वाला फार्मूला लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम मोल मालूम करेंगे सबसे पहले। अब देखो जो चीज़ आपको दी गई होगी ना एग्जामिनर, देखो कौन सी चीज़ दे रहा है, मैस ऑफ KOH, KOH के मोल मालूम कर लो। क्या करो, मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस को ऊपर रखो और मोलर मैस को आप नीचे रख लो, मोलर मैस को नीचे रख लो। मैस ऑफ सब्सटेंस जो एग्जामिनर ने दिया गया है वो कितना है, 14 ग्राम, और मोलर मैस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मालूम करना पड़ेगा। देखो हमारे पास KOH है, पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, इन सब को ऐड करोगे हमारे पास बन जाएगा 39 40 50 एटॉमिक मास, 50 बनता है ना, सॉरी 16 है, ये 16 है 56 हमारे पास मोलर मास बन रहा है, तो यहाँ पे 56 पुट करो, आंसर निकालो कितने मोल आ रहे हैं, 14 डिवाइडेड बाई 56 0.25 मोल्स। अब आगे यहाँ तक तो हमने पीछे किया हुआ है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, अब जो इससे आगे वाला पार्ट है ना, ये सारे आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना सब में कॉमन है। अब करना क्या होता है, आपने
कि जो चीज आपको एग्जामिनर देगा, ये देखो ये वाली चीज हमने मोल मालूम कर ली, एग्जामिनर ने दी हुई है चीज, कौन सी दी हुई है उसमें मैं थोड़ा सा निशान लगा लेता हूँ कि ये वाली चीज हमें दी हुई है एग्जामिनर ने, कौन सी चीज है ये? KOH कितने ग्राम है और इसके मोल कितने हैं? 0.25। जो चीज एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करे और जो चीज आपने मालूम करनी हो, उन दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। चलो जी, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इस रिएक्शन के लिए, जो ऊपर वर्डिंग में लिखा हुआ है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ऊपर वर्डिंग को पढ़ के ना हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस, जब हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट करना है H2SO4 के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाना है H2SO4 के साथ, इसके नतीजे में हमारे पास बनना है K2SO4 साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बन जाना है। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो हमारे पास यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी दो लगाना पड़ेगा, ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है, सही है। अब आपने आगे करना क्या है, सिंपल सा काम है, जो चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है और जो चीज़ आपने मालूम करनी है, देखो दो चीज़ें मालूम करनी है, K2SO4 के कितने ग्राम बनेंगे और वाटर के कितने ग्राम। देखो K2SO4 ये पड़ा हुआ है आपके पास और वाटर पड़ा हुआ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रही है। अब याद रखिए, अगर आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गलती हुई ना, आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन गलत होगी। सो ये वाली चीज़ आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, अगर यहाँ पे कोई गलती आती है तो आगे आपका सारे की सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने सिंपल सी बात बतानी है, ये है कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड की गई हो और जो चीज़ आपने मालूम करनी हो, देखो ये भी मालूम करनी है, ये भी मालूम करनी है, जो चीज़ प्रोवाइड की गई और जो चीज़ आपने मालूम करनी, इन दो का कंपैरिजन करते हैं। पहले आप इन दो कर लो, ये वाली चीज़ दी हुई है, ये वाली चीज़ मालूम करनी है, इन दो का करो पहले, फिर इसी का और इसका करो, दो दफ़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। चलो कंपैरिजन करना किस तरह है, जैसा गौर कीजिएगा, पहले इसको समझ लो, लिख बाद में लेना। बाय कंपेयरिंग KOH एंड K2SO4, देखो K2SO4 के ग्राम हमने मालूम कर रहे हैं, बाय कंपेयरिंग KOH एंड K2SO4। अब कंपैरिजन आपने इस तरह स्टार्ट करना है, KOH एक साइड में लिख लो और K2SO4 एक साइड में लिख लो, K2SO4 एक साइड में लिख लो। अब यहाँ पे करना क्या, स्टार्टिंग आपने कंपैरिजन कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग आपने करनी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में KOH के साथ क्या लिखा हुआ है, कौन सा डिजिट है? 2। तो आपने यहाँ पे लिखना है 2, क्या लिखना है? 2। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे K2SO4 के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है इसके नीचे? 1। यानी कि आपने जो कंपैरिजन करना है ना, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करना है, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी उस चीज़ के साथ वही वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है, वही वैल्यू क्या करिए आपने यहाँ पे लिखनी है। अब देखो आपने इसका एंड कहाँ पे करना है, एंड आपने इसका इस चीज़ पे करना है। देखो KOH कितने लेके आने, 0.25। जो इक्वेलिटी का आपको पता है, ये जो हमारे पास निस्बत होती है, इसका जो इस साइड पर करना तो वही चीज़ उस साइड पर करनी है, सही है। मसलन मेरे पास 3:2 है ना, आप इसको इस साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा है या नहीं है? फिर निस्बत आपकी कायम रहेगी। अब अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ इस साइड पे और इस साइड पे भी 2 पे डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा? ये तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। यानी इस साइड में 2 पे डिवाइड कर दिया, इस साइड में 2 पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास असल में कितने मोल है इसके, 0.25। मैं इस साइड पे 0.25 किसी तरीके से लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.25 से, और इसको भी 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस साइड वाला आंसर हमारा 0.25 और इस साइड वाला 0.125 आ जाएगा, 0.125। अब यहाँ से ना हमने एक चीज़ निकाल ली है कि K2SO4 के मोल कितने हैं, मोल्स ऑफ K2SO4 कितने हैं, 0.125। अच्छा आप मोल को यूज करके मास निकाल सकते हैं, ग्राम, देखो हमने मालूम करना है ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम कितने ग्राम बनेगा, क्या मोल को यूज करके ग्राम निकाल सकते हो? आसान सा तरीका कार है,
क्या फार्मूला याद रखिएगा, मेन फार्मूला याद रखो, बाद में उससे बना लेंगे। मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, के ऊपर रखो मास ऑफ सब्सटेंस को ऊपर रखो, डिवाइड कर दो मोलर मास है। मोलर मास हम निकाला जाते हैं, सॉरी मास ऑफ सब्सटेंस निकाला जाते हैं, मोलर मास को मल्टीप्लाई करें किससे, मोल से। बस ये फार्मूला है हमारे पास, मास ऑफ के टू एस ओ फोर निकाला जाते हैं तो क्या करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल कितने हैं, 0.125। मोलर मास कितने के टू एस ओ फोर का, निकालना पड़ेगा। मोलर मास हमेशा निकालना पड़ता है, तो यहाँ में देखो के टू एस ओ फोर है, पोटाशियम देखो कितने पोटाशियम है, दो, एक पोटाशियम कितना होता है 39, प्लस सल्फर कितने हैं एक, एक सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन कितने हैं चार, एक ऑक्सीजन का होता है 16। इनको सॉल्व करो 39 मल्टीप्लाई बाय 39, ये हमारे पास आएगा 78 प्लस 32 प्लस 64। इसको हल करो क्या आएगा आंसर हमारे पास, हैं 174। एक दफा चेक कर लीजिएगा, अब आपने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना 174 के साथ, क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, मास ऑफ के टू एस ओ फोर कितना आ जाएगा 21.75 ग्राम। ये हमारे पास आंसर आ गया, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से जहन में रख लेनी है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ करनी है ना, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं वाटर के, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं। सेम काम करना है आपको, क्या करना जी, अब देखो इस चीज़ का कंपैरिजन करेंगे इस चीज़ के साथ, इस चीज़ का कंपैरिजन करना है इस चीज़ के साथ कंपैरिजन करेंगे। चलो करते हैं, अब बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग किस चीज़ को, KOH एंड H2O। देखो हमारे पास इस साइड पे KOH लिखो, निस्बत डालो या दरम्यान में रेशो की लामत, इस साइड पे H2O लिखो। इस साइड पे देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें स्टार्ट करना है, KOH के साथ कौन सा नंबर है 2, यहाँ पे लिखो, यहाँ वाटर के साथ कौन सा नंबर है 2। आप असल में KOH की जगह पे कौन सी वैल्यू लेके आ रही है 0.25, इसको भी 2 पे डिवाइड करो, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25। यहाँ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.25। अच्छा मोल्स ऑफ वाटर से वाटर का मास निकाला जा सकता है, वो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। पानी का मोलर मास क्या होता है 0.25, इसको मल्टीप्लाई कर दो 18 से, ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18, 4.5 ग्राम आएगा, 4.5 ग्राम, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो दो चीज़ हमने मालूम कर ली है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4 और नंबर ऑफ ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालना है। अब मेरे पास मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं, मॉलिक्यूल हमारे पास यही समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही हैं जो हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं, मोल से निकाले जा सकते हैं, एक ही फार्मूला आपको लिखवाया था। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें भी सेम काम है, मोल को मल्टीप्लाई कर देना था किससे, एवोगैड्रो नंबर से। देखो हमारे पास मोल क्या है 0.25, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.0 × 10⁻², मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई है। लो जी ये था जी हमारे पास न्यूमेरिकल, इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख लीजिएगा, सिंपल सा काम है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास हो, कंपैरिजन पहले इसका इसके साथ करना है, फिर इसका इसके साथ करना है, चीज़ें निकाल देनी है, सही है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। कंपैरिजन करने वाली बात आपने जहन में रख लेनी है,
कंपैरिजन अच्छे तरीके से याद हो, बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकती हैं। ये हमारे पास आज के लेक्चर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अल्लाह हाफिज़।